हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग का जो जेएसएससी जेई का एग्जाम है अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ होगा और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किए होंगे। काफी दिनों के बाद हम ये फिर से आ रहे हैं आप लोग के सामने में। थोड़ा सा तबीयत खराब था इसीलिए, ठीक है। अब देखिए, हम बात करेंगे एग्जाम से, तो एग्जाम भी हो चुका और उसका आंसर की भी आ गया। तो अभी तो आप अगर आप आंसर की नहीं मिलाए होंगे तो आप एक मिला के अपना दुविधा को कंप्लीट कीजिए, कितना मार्क्स मेरा आ रहा है, ठीक है। क्योंकि उसी चीज में फंसे रहना, एग्जाम तब हो गया ओवर, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अभी बातें भी चल रही हैं लीक वगैरह का, तो अभी उस पर अभी चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। उसको और अच्छे तरीका से हम अभी समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। तब उसके बारे में हम बात करेंगे आप लोगों से। अभी तो एग्जाम दे के आप लोग आए हैं, अपनी आंसर की भी मिला लीजिए, ठीक है। क्योंकि आंसर ऑफिशियल आंसर किया गया है, उसमें जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट वगैरह है तो उसका ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत लोग यहाँ पे ये सुनने में आया है कि पेपर वन जो है वो किसी किसी का अच्छा नहीं गया है, ठीक है। तो देखिए, आप जब तैयारी करने के मूड में थे, जब से आप तैयारी कर रहे हैं तभी से आप ये मान लिए थे कि मेरा पेपर वन अच्छा से मतलब अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जनरल इंजीनियरिंग था और आप अच्छे तरीके से नहीं कम्प्लीट किए होंगे जनरल इंजीनियरिंग। तो देखिए, ये प्री डिटरमाइंड था, ये आप लोग का पहले से ये मन में था कि हम पेपर वन सही नहीं जाना है, ये सभी को पता था। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि पेपर वन आपका सही नहीं गया है, ठीक है। पेपर वन वैसा जाएगा ही जाएगा जैसे आप लोग का गया है, ठीक है। अब देखिए, पेपर टू का बात करें, जो अपना कोर पार्ट थोड़ा सा अच्छे तरीका से किया होगा, ठीक है, उसका सिलेक्शन होगा इसमें, ठीक है। अब देखिए, बाकी जो अभी बातें चल रही है लीक, पेपर लीक वगैरह का, तो उसके बारे में अभी हमको उतना जानकारी नहीं है। जब उसके बारे में जानकारी होगा तो आप लोग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें पेपर टू का, तो पेपर टू क्वेश्चन मतलब ज्यादा टफ नहीं था और बहुत ज्यादा इजी नहीं था, मॉडरेट था। और पेपर वन में जो जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था उसमें जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। तो पेपर वन शुरू से ही पता था आप लोगों को कि पेपर वन उतना अच्छा नहीं जाएगा, उतना नहीं अच्छा जाएगा, मतलब 120 क्वेश्चन में अगर आप अच्छे तरीके से 60 क्वेश्चन भी किए होंगे, 120 क्वेश्चन में अगर 60 क्वेश्चन भी किए होंगे, ठीक है, तो 60 क्वेश्चन मतलब 6 × 3 कर लीजिए तो 180 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। मतलब बहुत ही मतलब खराब गया होगा तो 180 नहीं, 150 भी तो आएगा ही आएगा कम से कम। जो टॉपर है, जो जिनका सिलेक्शन होना है उनका तो 200 से कम नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कोई भी अगर 120 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन तो आपका नॉन टेक्निकल जो था, ठीक है, और बाकी जो 80 क्वेश्चन था ये सब 120 क्वेश्चन में अगर आप ज्यादा निगेटिव ना किए हो तो एक आपका 60 क्वेश्चन तो अप्रोक्स सही होगा ही होगा, ये हम मान लेते हैं। तो 180 नंबर यहां से आ जाता है। और उसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे 50% अगर हम बात कर लेते हैं तो, ठीक है। देखिए, अब अभी हम बात कर लेते हैं पेपर टू का, जो कि कोर ब्रांच है, अगर सिविल का हम बात करें तो उसमें सभी लोग 70 क्वेश्चन जरूर सही करके आए होंगे, 210 नंबर वहां से हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें 60 क्वेश्चन सही करके आए होंगे तो आप जोड़ लीजिए, 210 और 100 हो गया आपका 310 और 80 390, 400 के करीब में एक एवरेज स्कोर होता है, आप किए होंगे तो आप सेफ जोन में है, जिसका भी मार्क्स जो है 400 के करीब में आ रहा होगा, 390 आ रहा होगा, ठीक है, वो सेफ जोन है, मतलब बोल सकते हैं कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि 350 वाला का नहीं होगा, हो सकता है। तो देखिए, 350 से तो ऊपर ही जाएगा, 350 से जो कट ऑफ है वो ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी और बढ़िया तरीके से पढ़े होंगे तो पेपर वन में आप काफी अच्छा स्कोर किए कर सकते, मतलब 60 नंबर तो आप ला सकते थे वहां पे। ये हम देखे हैं पेपर, 60 नंबर आप लोग का वहां, 60 क्वेश्चन, सॉरी 60 नंबर नहीं, एक्चुअली 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन तो वहां पे आपका सही होना चाहिए था। और इधर आप लोगों का लगभग 70 क्वेश्चन यहां से सही होना चाहिए था, तो आप जोड़ लीजिए, 60 और 70 130 होता है, मतलब 390 नंबर तो आप इजीली ला सकते थे इसमें, ठीक है। जनरल का कटअप हमको लग रहा है 400 तक ही जाएगा, ठीक है, 400 से कम नहीं जाना चाहिए जनरल का कटअप। देखिए, बाकी इसका कटअप जाएगा, जो कैटेगरी में है उनका कटअप थोड़ा सा क्या मतलब बहुत ज्यादा डिफर करेगा, ठीक है। तो आप 720 का जो 40% है उससे ज्यादा मार्क्स अचीव किए होंगे तभी आप अपना कुछ ये चांस सोचिए, ठीक है। 40% से कम किए होंगे तब तो कोई आशा मतलब हमको नहीं लग रहा है कि होगा। और जो 60% किए होंगे उनका तो सिलेक्शन होना मतलब काफी ज्यादा चांसेस है उनका होने का, ठीक है। अब देखिए, आप लोग का जैसा भी एग्जाम गया, अब एग्जाम तो हो गया, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, अब जाके आप फिर से पेपर नहीं दे सकते हैं, फिर से उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रही बात वो लीक पेपर लीक का, वो अभी देख रहे हैं, उसके बारे में कुछ पता चलेगा तो आप लोग को, उस पर तो चल ही रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में भी अगर कुछ जानकारी होता है तो आप लोग से सामने हम बात करेंगे।
ठीक है। अभी देखिए जो हुआ सो हुआ, ठीक है। अब आगे अगर आप लोग सोचे होंगे कि और भी आगे एग्जाम होने वाला है, जैसे आरआरबी जेई वगैरह आने वाला है रेलवे से, ठीक है। एसएससी जेई का भी आपका एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया, वो भी आपका अगस्त सितंबर में ये होगा, उसका एडवर्टाइजमेंट आएगा अक्टूबर में, दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। तो एसएससी जेई पे आप फोकस कर सकते हैं जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट है, ठीक है। आंसर के अपना मिला के कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मार्क्स जो है नीचे में शेयर कीजिए, कमेंट में करके बताइए कि कितना मार्क्स आपका पेपर वन में आ रहा है, कितना मार्क्स पेपर टू में आ रहा है, ठीक है। और आंसर किसे मिला ले, क्योंकि द्विधा में रहने से कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़िए, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़िए, लाइफ को आगे बढ़ाइए, ठीक है। एक मौका अभी छूट गया तो ऐसा नहीं है कि मौका नहीं आएगा, मौका आते रहेगा, बस अपना जो भी पढ़ाई है उसी को कंटिन्यू रखिए आगे की तरफ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो अगले हर कभी भी नहीं होगा। अभी आपका जेई आने वाला है, एसएससी जेई का, आरआरबी जेई का बहुत सारा एग्जाम होने वाला है, तो आप उसमें होप रखिए कि होगा, अगर इस बार अगर अच्छा नहीं गया होगा एग्जाम तो, चाहे अगर आपका हो या ना हो, अब आगे के एग्जाम में आप लग जाइए, आगे की तैयारी में आप अपना लग जाइए। अगर आप फुल्ली डेडिकेटेड हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब निकालना है तो आप बैठे मत रहिए, बस अभी से स्टार्ट कर दीजिए आगे का प्रिपरेशन भी, ठीक है। इतना ही बोलेंगे, जरूर जरूर अपना कमेंट में मार्क्स अपना जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक है। बाकी आगे इससे रिलेटेड जेएससी जेई से रिलेटेड जो भी जानकारी मुझे मिलेगी हम आप लोगों को शेयर करेंगे, ठीक है। और आगे के एग्जाम के लिए आप जरूर से जरूर जो भी अपना तैयारी है उसको और कंटिन्यू रखिए और इम्प्रूव करिए, कॉन्टेक्ट रिवीजन करते रहिए, आगे आपको एग्जाम में और फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।